फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं, अरे मैं स्कूल जाता तो हूँ, हम पढ़ते तो हैं, वह खेलती तो है, तुम टीवी देखते तो हो। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को बोला जाता है एम्पैथिक सेंटेंस। तो इंग्लिश के ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें तो का यूज़ किया जाता है, वह सेंटेंसेस कहलाते हैं एम्पैथिक सेंटेंस। जैसे कि वह स्कूल जाती तो है, मैं काम करता तो हूँ, हम पढ़ते तो हैं, तुम लड़ते तो हो। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस में तो का यूज़ किया गया है, इसलिए इनको एम्पैथिक सेंटेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई एम मुजीब खान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे न्यू अपडेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं आज एम्पैथिक सेंटेंस। वह स्कूल जाती तो है, मैं काम करता तो हूँ, हम पढ़ते तो हैं, तुम लड़ते तो हो। तो इन सभी सेंटेंसेस में तो का यूज़ किया गया है। अगर इनमें से तो वर्ड को हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस बन जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस को ही एम्पैथिक सेंटेंस बनाया जाता है। अब इस तो के लिए हमें वर्ड यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डू डज डिड। तो के स्थान पे हमें डू डज डिड। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह से हमें एम्पैथिक सेंटेंस को बनाना है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड देन मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ही शीट नेम्स के साथ डज, आई यू वी दे के साथ डू और ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें डिड का यूज़ करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खेलता तो है, वह अंग्रेजी बोलती तो है, हम पढ़ते तो हैं, वह कमाता तो है। तो इन सभी सेंटेंसेज में तो वर्ड का यूज़ किया गया है। अब देखते हैं, वह खेलता तो है, ही डज प्ले। यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें ही के साथ डज का यूज़ करना है। यहाँ आपको इस सेंटेंस को फोर्सफुली तो लगाकर बोल दिया गया है। वह खेलता तो है, ही डज प्ले। वह अंग्रेजी बोलती तो है, शी डज स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस में भी शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें डज का यूज़ करना है। शी डज स्पीक इंग्लिश। हम पढ़ते तो हैं, वी डू स्टडी। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें वी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करना है, वी डू स्टडी। वह कमाता तो है, ही डज अर्न। यहाँ पे ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ भी हमें डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना, ही डज अर्न। तो ये सभी सेंटेंसेस कहलाते हैं एम्पैथिक सेंटेंस, जिनको फोर्सफुली तो लगाकर बोला गया है। तो इसी तरह से हम पास्ट के भी एम्पैथिक सेंटेंस बनाते हैं। तो पास्ट के एम्पैथिक सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना रहती है डिड का। तो वो भी देख लेते हैं, पास्ट के एम्पैथिक सेंटेंस किस तरह से बनते हैं पास्ट इंडेफिनेट के एम्पैथिक सेंटेंस। अब पास्ट में हमें तो के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो स्ट्रक्चर में हमें सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज़ करना है, देन मेन वर्ब, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो पास्ट के एम्पैथिक सेंटेंस में सभी में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, किस तरह से पास्ट के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। वह आया तो था, मैंने तुम्हें बुलाया तो था, तुमने टीवी देखी तो थी, उसने तुम्हारी मदद की तो थी। इन सभी सेंटेंस में था थी का यूज़ किया गया है, ये पास्ट के एम्फेटिक सेंटेंस हैं। वह आया तो था, ही डिड कम। यहाँ पे ही के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना, ही डिड कम। मैंने तुम्हें बुलाया तो था, आई डिड कॉल यू। तुमने टीवी देखी तो थी, यू डिड वॉच टीवी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाएगी और डिड यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। उसने तुम्हारी मदद की तो थी, ही डिड हेल्प यू। ही डिड हेल्प यू, ही के बाद डिड का यूज़ करना है, देन हेल्प यू, ही डिड हेल्प यू। तो ये सभी पास्ट इंडेफिनेट के एम्फैटिक सेंटेंस थे। अब हम इसका रूल सेकेंड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो रूल नंबर सेकेंड में फ्रेंड्स, इंग्लिश के वे सभी सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाती है, तो वहाँ पे हमें तो के लिए ज़रूर या अवश्य का यूज़ करना है। उस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल डू का यूज़ करना है, देन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसे फिर ज़रूर आना। तो डू कम अगेन, डू का यूज़ हमें स्टार्टिंग में करना है, डू कम अगेन, दोबारा अवश्य मिलना, डू मीट अगेन, उसकी मदद ज़रूर करना, डू हेल्प हिम, इसे दोबारा अवश्य पढ़ना, डू रीड इट अगेन। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमें इम्परेटिव सेंटेंस है ये, इसलिए हमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।